इस वीडियो में आपको बताऊंगी राउंड कट बेल्ट ब्लाउज कैसे बनाएं। ये राउंड कट बेल्ट ब्लाउज के बारे में बता रही हूँ। देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है और ये अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए अस्तर को मैंने खोल दिया है, तो सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर लेते हैं। जैसे ये शोल्डर हाई नेक में है तो देखिए 7 इंच ले रही हूँ। देखिए हमारे ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 16 इंच। तो 16 इंच पर यहाँ पर एक मार्किंग कर ले। तो देखिए ये हमारी ब्लाउज की पूरी लंबाई हो गई। अभी लेते हैं मुड्डे, तो मुड्डे देखिए 7 है और ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो देखिए जब तैयार करेंगे तो ये 10 इंच आए और 2 इंच का मार्जिन ले लें। आप कोई भी साइज का बनाते हैं 2 इंच का मार्जिन ले लें, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मुड्डे 1.5। तो देखिए इस तरीके से मुड्डे भी ड्रॉ हो चुके हैं और अभी हम नेक लेते हैं। देखिए नेक 3.5 इंच ले रहे हैं शोल्डर्स और ये लंबाई 6 इंच ली है मैंने। ये नॉर्मल नेक लिया है, बोट नेक नहीं लिया है, लेकिन इसका जो बैक साइड का है बोट नेक है। तो इस तरीके से इसका ड्रॉ कर देते हैं नेक, राउंड नेक है। अभी हम लेते हैं अपना कप साइज़। देखिए हमारा कप साइज़ है 12 इंच तैयार में और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे तो ये 13 इंच है। यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये पार्ट जो रहेगा हमारा बेल्ट रहेगी इस पार्ट में और ये पार्ट में हमारा कप साइज रहेगा। और अभी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से 1.5 इंच ले लें सेंटर पॉइंट से, जो हमारा हुक पट्टी का सेंटर है यहाँ पर। और देखिए अभी चलते हैं हम साइड की तरफ। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है मुड्डे की तरफ से। इन पॉइंटों को हम इस तरीके से राउंड शेप करेंगे अभी। तो यहाँ से हम इस तरीके से कर देते हैं और देखिए यहाँ से भी इसी तरीके से आप इसको गोलाई देते हुए आएँ। तो इसकी शेप देखिए कुछ इस तरीके से आएगी। इसको पूरा डार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसका डार्क, नीचे से आपको कुछ भी नहीं करना है। जो हमने लिया 13.5 इंच सेम रहेगा और साइड से इसकी गोलाई कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखिए कप साइज हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और नीचे का जो बेल्ट है ये तो हमने एकदम तैयार साइज लिया था। और 1 इंच अभी यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे जो कि यहाँ पे बेल्ट में अटैच करेंगे, उसके लिए भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो उसके लिए भी 1 इंच मार्किंग कर ले। तो देखिए नीचे का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हम प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे से लेंगे तो सेंटर से यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से टेप को रख लें नीचे से। जो हमारी प्लेट लेंगे हम यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे, तो 5.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लें। क्योंकि ये तो गुलाई हो गई है तो इसीलिए आपको यहाँ से स्ट्रेट लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच के अंदर हमारी 2.5 इंच की प्लेट आ जाएगी, तो 2.5 इंच की प्लेट पर भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसके बीचों बीच 1.25 इंच पे। और जो प्लेट की लंबाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी, इस तरीके से मार्किंग कर लें। और देखिए जो हमने लिए हैं 1.25 इंच दोनों साइड से, इसकी भी मार्किंग इसी तरह से। देखिए प्लेट कुछ इस तरीके से आएगी नीचे की प्लेट। अभी हम लेते हैं हुक पट्टी साइड में, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्रॉस में आएगी 3.5 इंच लंबी और ये 1/2 इंच की रहेगी। तो देखिए ये 2 प्लेट हो गई और एक प्लेट आएगी हमारी मुड्डे की तरफ। तो इसके बीचों बीच इस तरीके से टेप को रख लेंगे और 5 इंच लंबी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी 3 प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और इसी तरह दूसरे पार्ट में मार्किंग कर लूँगी और सेम ड्राफ्ट रख के मैं ब्लाउज भी कट कर ले। तो देखिए नीचे मैंने उल्टा ब्लाउज रख लिया है, यहाँ पे ये उल्टा ब्लाउज है, इसके ऊपर अस्तर रख लिया है और जो हमने यहाँ मार्किंग की थी यहाँ से मैंने एक स्टिच डाल दी। इससे क्या होगा दोनों पीस हमारे एक साथ तैयार हो जाएंगे। और एक प्लेट जो हमने यहाँ पर डाली यहाँ पर भी एक स्टिच डाल दी है, इससे क्या है जो हमारी प्लेट है वो एकदम परफेक्ट आ जाएंगी। और सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट स्टिच कर लेते। तो देखिए ये प्लेट हमने यहाँ तक स्टिच कर ली है और जो मुड्डे वाली है इसको भी स्टिच कर लेते। तो देखिए ये प्लेट भी स्टिच हो चुकी है, सेम इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए तीनों प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको सीधा रख लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये कप साइज बन गया है, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। जो मैंने सिलाई डाली थी इसको निकाल दूंगी, जो तैयार करने के लिए डाली थी। अभी हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करते हैं। तो देखिए मैंने एक अस्तर की और एक ब्लाउज के कपड़े की कटिंग की थी और एक और मैंने सेम अस्तर की और कट कर ली है और अस्तर की बेल्ट को ब्लाउज की बेल्ट के साथ स्टिच कर लिया। इससे क्या होगा थोड़ा स्टिफ रहेगा तो फिटिंग हमारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये आएगी ऊपर वाली और जो हमने अस्तर का ड्राफ्ट किया था ये हमारी नीचे की तरफ आएगी जहाँ पर हमारा अस्तर रहेगा। तो इसको इसी तरह से रखेंगे, यहाँ पर इसको रख लें और इसके नीचे यहाँ से। तो जो हम इसकी सिलाई करेंगे ये साइड फिटिंग से ही सिलाई स्टार्ट करनी। देखिए ये मैंने स्टिच डाल दिया और इसको इसकी तरह से खोल देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो सिलाई थी हमारी अंदर की तरफ चली गई और देखिए बाहर भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है।
अभी जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की थी बेल्ट, अभी जो बचा हुआ कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको कट कर देते हैं। तो देखिए नीचे भी इसकी फिनिशिंग हो गई है, देखिए उल्टी तरफ कितनी अच्छी फिनिशिंग है, सीधी तरफ भी। और जैसे कि राइट साइड का, तो यहाँ पे हमारे हुक आएंगे, उसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर फिनिशिंग है तो यहाँ पर फोल्ड कर। तो देखिए ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है, सिलाई डाल दी है। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है जो कि मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ। तो 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट कर ली है और साइज के अनुसार जॉइंट भी कर लिया है, डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर पाइपिंग स्टिच कर देंगे। ये नेक में हमने पाइपिंग दे दी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, जो थोड़ा सा उठा है ये भी सेट हो जाएगा। जैसे आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, वैसे मैंने कटिंग कर दिया है। तो आपको जो तैयार साइज है, जैसे यहाँ तक हमारा तैयार है, तो यहाँ से मैंने आधा इंच कटिंग कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी शेप काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए जब आप इसकी साइड फिटिंग कर देंगे, देखिए कितना अच्छा हमारा ये कप साइज़ तैयार लगेगा। यहाँ पे ये पूरा राउंड में आएगा, और यहाँ पे नेक में हमारी देखिए ग्रीन पाइपिंग आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से ये राउंड कट बेल्ट ब्लाउज बना सकते हैं किसी भी साइज के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।